अस्सलामुअलैकुम गाइस, वेलकम बैक टू द न्यू ब्लॉग। सो गाइस, इस रमज़ान का जो है ना सेकंड जो मैं और आज जो है ना मैं इनवाइट आया हमारी शानदार मामी की तरफ से। तो आज हम लोगों ने उनके घर जाना है रोज़े इफ्तार पे, फिर उसके बाद जो है ना हम लोग घर आके फ्रेश वगैरह होके चले जाना है रमज़ान में जो मुस्तहिक होते हैं, जिनको ज़रूरत होती है उनके लिए राशन लेने। तो आज का पूरा ब्लॉग एंड तक देखिएगा, लाइक सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें ताकि मेरे नए ब्लॉग की अपडेट। आ चुके हैं अहबाब पे, अहबाब पे देखें कितना रश लगा है। मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, लबालब लोग पड़े हैं क्योंकि इफ्तारी से सिर्फ आधा घंटा रह गया, लेकिन हम लोग यहाँ पे आए केक देखे। यहाँ पे पेस्ट्रीज कितनी मज़े की हैं, रोज़े में तो दीदी कर रहे हैं यार खाने को। अभी हम लोगों ने जो है ना थ्री मिल की केक ले ली है और जो है ना अभी हम बाहर आए, रश डबल हो चुका है और जगह रश ही रश है। अभी हम लोगों ने पेट्रोल पंप से पेट्रोल डलवाया तो उन्होंने इफ्तारी की मील दी है, इसके अंदर है एक कपकेक और खजूरें और इसके एक समोसा, एक केला और एक ये जूस और पानी की बोतल। तो गाइस अभी इफ्तारी वगैरह हम लोगों ने कर ली है, अभी मैं आया हूँ मैग्नेट स्टोर पे क्योंकि जो है ना हम लोगों ने राशन के पैकेट बनाए। हमने मैंने आप लोगों को बताया था ये हमारे घर के करीब ही मार्ट था, तो हम लोग यहाँ पे आ चुके हैं। जल्दी से जो है ना अंदर जाते हैं, ये महंगे मॉल है, यहाँ से जो है ना हम लोग पता करते हैं कि जो है इनके पास राशन के बैग हैं तो हम लोग वो ले लेते, नहीं हुए तो मैं हम लोग अपनी मर्जी से सामान लेकर घर जाके पैक कर लें। राशन वगैरह तो लेते रहेंगे लेकिन हम लोग जो है ना अभी वो अपने घर के लिए नूडल वगैरह, अभी हम लोगों ने कारो बना रखा, अभी नूडल लिए उससे भी पाए गए। भाई यहाँ पर जो है ना राशन हमारा कलेक्ट हो रहा है, ये डाले है, चीनी है, नमक वगैरह, ये बेसन आ रहा है, ये डेट्स भी आ चुके हैं, बाकी गुप्ता वगैरह भी आ चुके हैं। यहाँ पे हमारे सामान की डिलीवरी और यहाँ पे ऑयल वगैरह भी आ चुका है। अभी मैं राशन के पैकेट भर रहा हूँ, ये भी इतने सारे मैंने भर दिए, सारे एम्पर बन चुके हैं और जो है ना अब दोबारा से रिचार्जिंग वगैरह हो रही है। और भाई अभी मैग्नेट वालों ने ना हम लोगों को एक कॉम्प्लीमेंट की दी है सामान, ये हम लोग देखते हैं क्या क्या है इसके अंदर। सबसे पहले जो है ना ये लेडीज पर्स है और उसके बाद ये एक मैन का वॉलेट है और उसके बाद जो है ये क्या चीज़ है, फेस वॉश है, ये गोल्ड का फेस वॉश है और उसके बाद भी देखते हैं अच्छा खासा है, स्क्रब है, गोल्ड स्क्रब है ये और ये मायोनीज है और इसके अलावा देखते हैं और अंदर क्या है। और इसके अंदर है रूह अफ़ज़ा की छोटी वाली बोतल, ये देख लीजिए, इसके अंदर मायो भी है, इसके अंदर रूह अफ़ज़ा है और एक जो है मैन वॉलेट है, एक जेंट्स का वॉलेट है और एक गोल्ड का स्क्रब है। भाई मैं रेकमेंड करता हूँ कि मैग्नेट में आओ, राशन वगैरह जिसने भी बनवाना है अच्छे रिजनेबल प्राइस के अंदर। यहाँ पे मैं ब्लॉग को एंड करता हूँ, आई होप ये ब्लॉग भी आप लोगों को पसंद आया होगा, अगर पसंद आया तो लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।